फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले. एंड थैंक यू वेरी मच. एक मिनट, पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर. एंड आई वांट टू थैंक अनुराग फॉर हेल्पिंग अस आउट विद दिस एंड मेकिंग श्योर दैट वी हैव अ गुड इंटरेक्शन, आप लोगों से बात कर सकें. कुछ सवाल हैं जो आपकी तरफ से हैं, कुछ इनकी तरफ से हैं, उन सबका जवाब दे सकें. एंड सबसे अहम बात यह है, जो सबसे ज़्यादा अहम बात है वो ये है कि जितने भी लोग इस फिल्म को इतना प्यार दे रहे हैं, इतना सराहा रहे हैं, जिनमें से आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर देयर बट देयर लॉट्स ऑफ देम हु आर नॉट हियर, आज इस महफिल के जरिए मैं सिर्फ ऑन बिहाफ ऑफ दीपिका, ऑन बिहाफ ऑफ जॉन, ऑन बिहाफ ऑफ सिड, ऑन बिहाफ ऑफ आदि, डिम्पल जी, आशुतोष, ऑल ऑफ देम आई वॉन्ट टू से अ बिग थैंक यू फॉर द लव दैट यू ऑल हैव गिवन द फिल्म पठान. सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका. दूसरी बात, हम लोग जो हैं इसलिए नहीं, और जो 11 लोग ज्यादा बात कर रहे हैं प्लीज चुप हो जाएं. मैंने अच्छा, जो 22 लोग ज्यादा बात कर रहे हैं वो चुप हो जाएं, जो 33 लोग बात कर रहे हैं, ये कुछ कलेक्शन जैसा होने लग गया. क्या बात, बट क्या बात है. बट आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट हम तीनों इसलिए नहीं, कोई चॉइस से या किसी वजह से या किसी मकसद से, we have not met up with the media, it's not that. The film was shot during COVID. By the time we finished it, sabse zyada of course Siddharth aur unki jo technical team hai, sare bache hain, Adi and the production team had working very hard, but we also, because the film entails so much work, hum bhi usi mein lage hue the, to kisi se mukhatib nahi ho sake, mil nahi sake. But somewhere down the line we are all the same team, cinema, media, radio, television, social media, and everybody has shown so much kindness to the film. And I know everybody is not here, but all of us again are extremely grateful, first to the audience, second to all the people in media for supporting the film so much, in spite of the fact that there might have been things that could have curtailed the happy release of this film. I just want to say there's so much love from all sides, and we can never show enough gratefulness. Not only us, the whole film industry, what is rightly or wrongly called Bollywood or the Indian film industry. I think we thank you on behalf of all our colleagues and friends in the film industry for bringing life back to cinemas. So bahut bahut aap sabka dhanyawad. Ab hum sawal jawab karenge. Har bari 5 7 10 log hi chillana so that we can hear the answers, kyunki between you and me sabse acche answers Siddharth ne prepare kiye aaj ke liye. सिद्धार्थ आज शेव करके भी आए हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं सबसे बड़ी बात, सिद्धार्थ आज नहाकर भी आए हैं. बेचारे पठान में इतने व्यस्त थे, खाने पीने नहाने धोने का वक्त ही नहीं मिला, तो आज पहली बार प्रेजेंटेबल. हम तो पहचाने नहीं जब अभी भी मिले सुबह उनसे. जॉन जो बहुत ज्यादा बात करता है वो और भी ज्यादा बात करेगा आज. और दीपिका और मेरा तो आपको मालूम ही है, हमें तो सिर्फ बहाना चाहिए प्यार करने का, किस करने का, गले लगने का, तो हम वो करते रहे. आप जो सवाल पूछेंगे मैं इसके हाथ को किस कर दूंगा, वही जवाब होगा. सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर. आई विल हैंड यू ओवर टू अनुराग बिकॉज वी हैव टू गो ऑन विद इट. एंड आई वॉन्ट टू थैंक मनन एंड द होल यशराज टीम फॉर मार्केटिंग, फॉर बींग सो काइंड, एंड एवरीबडी. देयर लॉट ऑफ थैंक्स टू बी सेड टू लॉट्स ऑफ पीपल. अनुराग, आई ऑल्सो लव यू वेरी मच. थैंक यू शाहरुख. देख रहे हैं आप कितना जोश है, और एक बार फिर से पूरी टीम को, इन तमाम मीडिया वालों को कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो कि आप लोगों ने जितना प्यार दिया. थैंक यू वेरी मच. और ये प्यार ऐसे ही बना रहे शाहरुख खान यशराज के साथ में, दीपिका के साथ में, जॉन के साथ में. ये प्यार, ये मोहब्बत है. बहुत शाहरुख हमेशा एक बात कहते हैं कि मैं सिर्फ फिल्में करता हूँ प्यार पाने के लिए, मैं बच्चों की तरह हूँ, आप मुझे बच्चों की तरह प्यार से रखेंगे मैं बहुत अच्छा काम करूंगा. और वाकई शाहरुख ने इस बात को सिद्ध कर दिया है. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए. यशराज फिल्म्स की हमेशा एक खास बात रही है
कि वो शाहरुख खान को हमेशा बिल्कुल प्यार से रखते हैं और इतनी बड़ी फिल्म देखने के लिए, और पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में 100 साल में ऐसा रिकॉर्ड नहीं बना जो पठान ने बनाया है, इसलिए बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस। तो सबसे पहले शाहरुख आपसे शुरू करता हूँ मैं कि 4 साल, बीच में कोविड आया, उतार चढ़ाव आए, फिल्म बन रही थी, फिर रुक रही होगी, कैसा रहा एक्सपीरियंस ओवरऑल इन 4 सालों का? क्योंकि तकलीफ भी हो रही होगी कि यार फिल्म क्यों नहीं जल्दी बन रही है, क्यों रिलीज नहीं हो रही, क्योंकि एक्टर के लिए जरूरी है कि यार जल्दी से पर्दे पर आए फिल्म। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? द 4 ईयर्स दैट आई डिड नॉट, मतलब 2 साल, बिकॉज 1.5-2 साल तो हम काम ही कर रहे थे साथ में। आई थिंक हैव सम गुड पार्ट्स एंड हैव सम बैड पार्ट्स लाइक इन ऑल आवर लाइव्स बिकॉज ऑफ कोविड, एंड मेरे लिए भी वैसा ही था। तो 1-2 साल मैं काम नहीं किया, आई वॉन्टेड टू बी विद द चिल्ड्रन। तो अच्छी बात ये थी कि मैं अपने बच्चों को बड़ा होता हुआ फर्स्ट हैंड देख सका, आर्यन को, सुहाना को, अबराम को, एंड आई कुड स्पेंड टाइम विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। दूसरी अच्छी बात ये हुई कि मुझे लगा कि मेरी आखिरी फिल्म चली नहीं थी, तो लोग कह रहे थे अब मेरी फिल्में चलेंगी नहीं, तो मैंने ऑल्टरनेट बिजनेस सोचना शुरू कर दिया। मैंने खाना पकाना सीखा कि रेस्टोरेंट खोल लूँगा, उसका नाम रखूँगा रेड चिलीज फूड ईटरी। तो मैंने इटालियन खाना बनाना सीख लिया, तो वो अच्छा हो गया। अब क्या है कि मैं जब शूटिंग पे जाता हूँ तो सिद्धार्थ जो बहुत ही ज़्यादा खाना खाते हैं, मैं फिर बताना चाहूँगा इनकी सारी बुराइयाँ आज मैं आपको बता दूंगा, मैंने प्रॉमिस किया था इनसे। सो ये इनको खाना बहुत अच्छा लगता है। आफ्टर 10 डेज ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद माई वर्क, लेकिन मैंने हर रोज़ इसको पिज्ज़ा खिलाया सेट के ऊपर, तो उसने कहा चलो ठीक है बाकी फिल्म मैं इसके साथ कर लूँगा। सो ये अच्छी बातें हुई। बुरी बात में यही है कि घर बैठे रहे। अच्छी बात ये भी हुई कि मुझे जब मालूम पड़ा जॉन फिल्म कर रहे हैं मेरे साथ, मैंने कभी इनके साथ काम नहीं किया, एक हमने एंडोर्समेंट साथ में छोटी सी की थी। जॉन इज़ अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, व्हेन आई केम टू मुंबई वी गॉट टू नो ईच अदर, बट अनफॉर्चुनेटली वी हैड नॉट वर्क टुगेदर। एंड हमेशा ऐसा कहा जाता है कि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, बट आई रिक्वेस्टेड हिम, सिड रिक्वेस्टेड हिम, एंड वॉज वेरी काइंड। फिर मैं डर गया कि जॉन के साथ मुझे एक्टिंग करनी है तो बॉडी शॉडी तो होनी चाहिए थोड़ी बहुत। तो मैंने वर्कआउट किया जो जॉन ने भी मुझे काफ़ी सिखाया। हाँ, जॉन को तो मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, 2-4 सीन में मैं ऐसे किस भी करने वाला था, इतना करीब आ गया था इन्हें। और मैं बताना चाहूँगा कि जॉन ने भी ट्राई किया, ऐसे नहीं एक तरफा मोहब्बत है ये, उसने भी ट्राई किया, तो हम दोनों की बहुत मोहब्बत है। बट इट्स नाइस टू बी बैक। मैं जल्दी में कभी नहीं रहता कोई फिल्म ख़त्म करने के लिए, क्योंकि मेरा हमेशा ये जेन्युइन डिज़ायर है, ये सिर्फ एक्टर की तरह नहीं बोल रहा, इंटरव्यू में नहीं बोल रहा, मेरी जेन्युइन डिज़ायर ये रहती है कि मैं लोगों को खुशी बांट सकूं। और जब मैं उसमें फेल होता हूं, किसी को इतना दुख नहीं होता जितना मुझे दुख होता है, तो मैं बहुत खुश हूं कि मैं आप लोगों को खुशी बांट सका, और उन लोगों के से बांट सका जो मेरे बहुत ही करीब हैं, आदित्य चोपड़ा और सिद्धार्थ, और जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। क्योंकि एज़ यू विल नोटिस, द फिल्म इज़ अ वेरी बिग फिल्म, इट विल बी एन एक्सपेंसिव फिल्म, इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग फिल्म, बट टू गेट मी एंड गिव मी अ चांस टू कम एट द टाइम व्हेन आई वाज़न्ट वर्किंग एंड अलाउ मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म, आई विल एवर एवर बी ग्रेटफुल टू आदित्य चोपड़ा एंड सिद्धार्थ एंड देन टू दीपिका ऑफ कोर्स। मैं उसको ग्रेटफुल नहीं कहता, मोहब्बत कम हो जाती, बट आई जस्ट वॉन्ट टू से टू बी पार्ट विद फ्रेंड्स एंड एन्जॉय दिस फिल्म। मैं वो 4 साल भूल गया हूँ पिछले 4 दिन के अंदर। These 4 days are the happiest.